अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। हो गई है मॉर्निंग और हमारा हो गया खाना पीना, नाश्ता वाश्ता सब कुछ। बेकरी पर जाना है यार। क्या चीज़? बेकरी पर जाना है। किसी अच्छी बेकरी पे चलते हैं। और जिस जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और आज है किसी का बर्थडे। क्या है सारी? बर्थडे हैप्पी बर्थडे। चले और अब हमने करनी है ज़रा बर्थडे की थोड़ी तैयारी शियारी, वो भी हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। और अभी बस सारिम होने लगी है थोड़ी देर में रेडी, बुगा शुगा धो के, है ना सारिम? आपको गई भी है नाई नाई करने। सारिम बुगा धो के अब कपड़े शपड़े पहनेंगे, उनके कपड़े वो वहाँ पे निकाल के हमने रखे हैं। और इसके बाद फिर हम, आज है बस किसी की बर्थडे, और उसके बाद हम चलेंगे केक लेने। ठीक है सारिम, केक लेने चलते हैं। केक लेके आते हैं और फिर हम आपको अपनी साथ साथ काम भी दिखाते हैं, डेकोरेशन भी दिखाते हैं, और फिर हम आपसे मिलते भी हैं। यहाँ से लेने आए हैं कैंडल और ओमिहा ओमिंग स्प्रे। और कैंडल लेनी है हमने, अब देखिए कौन सी कैंडल लेते हैं। ये वाली नहीं ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, ये वाली ले लेते हैं। मम्मा जी, ये पड़ा है? हाँ ये तो है। और ये बहुत बड़ी अच्छी शॉप है, यहाँ पर हम आए थे कैंडल लेने के लिए। सारे हो गए पसंद, चॉकलेट केक। सारे यम्मी लग रहा है ना। ATIF और हम इस बेकरी पर आए हुए थे केक लेने के लिए आतिफ का, और केक हो गया है डन और अब हम चलते हैं घर की तरफ। तो मम्मा मुझे देके गई थी डैडी की बर्थडे की डेकोरेशन की ड्यूटी, जो कि जिसमें सभी मैंने स्लाइड्स लगाई है, उसमें मुझे कोई 15 मिनट लग गए हैं। और अभी मुझे ये बैलून्स भी लगाने हैं, एक फुल एक अच्छी वाइब आनी चाहिए बर्थडे की। और ये नहीं मैं तो हम अब इस बैलून्स को बुलाते हैं और फिर आपको अपने रूम की हम फाइनल लुक लगाए दिखाएंगे। बट ये लाइट्स जो है ना, ये कमाल लग रही है इस टाइम, और मुझे अपने आप पर प्राउड फील हो रहा है कि मैंने ये लाइट्स लगाई हैं। और मैंने ये मिस भी कर दी है जिसमें मुझे डांट पड़ने वाली है। बट लेट्स सी कि हमारा रूम कैसा लगता। सो गाइस, हम घर आ गए थे और यहाँ पर जैनब जो हैं वो लाइटें लगाई हैं, वाओ, और बैलून के फूल बना रही हैं। और जैनू कितने रह गए? अभी 3 और बना। बस अभी और बनाने हैं ये लाइटें शाइटें। मैंने कहा बस इतनी बहुत है, ये रख देते हैं बाकी की हम। और अब हम डेकोरेशन कर रहे हैं, डेकोरेशन करके फिर ऑन करते हैं और फिर आपको दिखाते भी हैं और फिर आतिफ को देते हैं सरप्राइज। चलो जी फूल बना लो सारिम शाह, मैंने एक ही गुब्बारा फुलाया है अभी, मैं बस और फुलाती हूँ ना फिर फटाफट लगाते हैं। सो गाइस, हमारा रूम हो गया है डेकोरेट। ये देखिए कितना अच्छा जैनू ने सजा दिया है सारिम, है ना। और ये अंधेरे में देखिए कितना नाइस लग रहा है, वाओ सो ब्यूटीफुल। हाँ अब हम ज़रा अपना रूम शूम समेटने लगे हैं, अब हम अपना रूम शूम समेट लें तो फिर हम केक लेके आते हैं और फिर करते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन। ये सो गाइस, हमने यहाँ पे अपनी सरप्राइज का बंदोबस्त कर लिया है। ये केक रखा है, ये गिफ्ट है, और सारिम बैठे हुए गाने गा रहे हैं। सारिम सुनाना जरा। सारिम यू पड़े गाएंगे गाने और ये कटेगा यहाँ पर केक, और बस अब हम आतिफ को बुलाएंगे और उन्हें देंगे फिर हम एक सरप्राइज प्यारा सा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। आतिफ की हो गई है एंट्री अब अंदर,
और सारिम की भी, सारिम अभी ना ये चलाना, ये केक पे जाएगा और इस पे बस कैंडल लग गई है। आपको कैसा लगा हमारा सरप्राइज? अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा। अब ये नहीं करो सारे, बस अब हमारे मेहमान भी आएंगे जो 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 अपने बुलाए हुए हैं, बस अब वो आएंगे और अब हम करेंगे अपना केक कट। केक कट है ना, तो बस अब हम ये किया है जैनम ने। जैनम आप तो इलेक्ट्रिशियन बन गई है ना, इलेक्ट्रिशियन बन चुकी है ये, है ना सारिम शाह। ओ केक ना खराब करो, बस अब हम सबको बुलाते हैं और फिर करते हैं ना केक कट। So, अब हम केक कटिंग होने लगी। आले जी केक काटे, चले जी बिस्मिल्लाह करें। चलो जी मैं करने वाला हूँ। चले जी केक कट गया हमारा, सारिम ने तो फोमिंग स्प्रे से सारा गंदा कर दिया। सारिम लड़कियों के ऊपर हो रहा है फोमिंग स्प्रे। चले जी अब केक कट, गिफ्ट दे दो, गिफ्ट दे दो, गिफ्ट दे दो, पहले सबको खिला लो। बेटा एक एक चम्मच देंगे सबको, बाद में फिर कटी। चले जी बाजी को बड़ी बेगम सारे, ये मैं ले लेती हूँ सारे। बुरा हाल कर दिया इसने हमारा, हमारे बालों का। बस कर जाओ सारे, मेरे बाल भी सारे अकड़ के खराब ही सारे। माशाल्लाह चलो साथ कमरे में उधर खा लो। चलो शीट लगाते हैं, बात करते हैं हम अपना खाना पीना। गिफ्ट डैडी ये चले जी अब आतिफ को गिफ्ट मिल रहे हैं उनके सारे। ये आ गए जी मेरे गिफ्ट, ये हम करेंगे अभी अनबॉक्सिंग। चलो जी चले जी अब हम करते हैं खाना। हाँ जी पसंद आ गया आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया और बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत फन किया। और हैप्पी बर्थडे टू यू हमारी तरफ से भी। चले जी अब आए खाना। सो गाइस खाना पीना करके हम आ गए हैं और हमारे गेस्ट जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो आ ही रहे हैं। बहुत मज़ा आया, आपको कैसा लगा हमारा सरप्राइज? अच्छा लगा, मज़ेदार लगा। बैलून हो गए यहाँ से हमारे गायब, सारिम ले गए उतार के। बहुत अच्छी बर्थडे हुई और केक अच्छा था। केक बहुत मजे का था, है ना, चॉकलेट केक। ये जैनब ने हमें केक बताया था कि ये वाला फ्लेवर लेकर आना है चॉकलेट में। कौन सा था? चॉकलेट माउस मेरे। हाँ चॉकलेट माउस, जैसे ब्राउनी का टेस्ट होता है ना उस तरह का टेस्ट। हाँ मजे का यम्मी केक था, एक किस्म की ब्राउनी थी, एक तरह से वाकई ब्राउनी थी चॉकलेट। और सारे वहाँ पर लेटे हुए हैं मज़े से और मैं लगाने लगी हूँ इस्त्री। अब बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह इस्त्री करें, अब कल की तैयारी करें, कल है मंडे। क्यों? और साथ साथ खाना भी बना रही हूँ मैं, खाना शाना खाते हैं रात का और फिर ज़रा गपशप भी लगाते हैं। सारे भी ज़रा फारी हो जाएंगे और गिफ्ट की अनबॉक्सिंग हम आपको दिखाएंगे अगले ब्लॉग में। गिफ्ट भेजना तो भेज सकते और गिफ्ट की अनबॉक्सिंग हम आपको दिखाएंगे अगले ब्लॉग में। उसके लिए आपको अगले ब्लॉग का वेट करना पड़ेगा। बड़े मज़ेदार से गिफ्ट है आतिफ के। क्यों आतिफ? आतिफ की पसंद के फेवरेट, और आतिफ को सबसे ज़्यादा परफ्यूम पसंद है और इनके पास परफ्यूम की बहुत ज़्यादा कलेक्शन भी है। क्यों जान? सही। चले अब नो आ रही है क्या आपको? नहीं वैसे ही सुस्ती हो गई। चाय पिलाओ ना अच्छी सी यार। चाय बनाऊं? हाँ चलो मैं चाय बनाती हूँ, फिर मैं करती हूँ इस्त्री वगैरह। हाँ। लगाती हूँ आयरन, बच्चों के कपड़े इस्त्री करूँ, फिर हम अपने काम शाम करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं कुछ देर में। सो गाइस अब हम आ गए थे रूम में, अब हमारा रात का डिनर भी हो गया और बहुत मज़ा आया हमने इसे देखे। डेकोरेशन भी उतर गई सारी हमारी और सारिम जो है वो यहाँ पर बैठे हुए खाना खाने में बिजी हुए हुए हैं। और करते हैं हम अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा।
ताकि नए ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे और जल्दी जल्दी से हमें सब्सक्राइब करें ताकि हम मोनेटाइज हो जाएं, रिवर्स ना लगाएं, आगे ज़रा हमें ऊँचाएँ। तो और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।